आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं काजू कतली बिल्कुल आसान तरीके से। चलिए शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं निगम। वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से निवेदन है कि अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। काजू कतली बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 400 ग्राम काजू लिया है। ये हमने टुकड़े वाले काजू लिया है। सामूत काजू के अगर आप बनाना चाहते हैं तो उसमें भी बहुत बढ़िया बनते हैं, तो ये इसको हम ले लिए हैं। कहीं कहीं इसमें साबूत भी हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ये थोड़ा ये भी सही रहते हैं, एकदम परफेक्ट है काजू कतली बनाने के लिए। अगर काजू में थोड़ी सी गंदगी हो तो इसको आप एक दो बार बढ़िया वाश कर सकते हैं, तो इसकी गंदगी निकल जाएगी। यहाँ हमारे काजू एकदम बढ़िया साफ हैं, तो हम इसका बढ़िया फाइन पाउडर बना लेते हैं। फाइन पाउडर बनाने के लिए हमने एक मिक्सर जार लिया है, तो यहाँ पे हम इसको अब डाल देंगे और इसका बढ़िया फाइन पाउडर बना लेंगे। काजू को हमने बढ़िया से पीस लिया है। देखिए बहुत अच्छा पाउडर एकदम परफेक्ट बन चुका है। अगर इसमें आपको लग रहा है कि थोड़े मोड़े टुकड़े रह गए हैं तो एक छन्नी से इसको बढ़िया से छान लीजिए, चाल लीजिए। चलनी हो अगर आटे वाली तो उससे भी बढ़िया चाल लीजिए, परफेक्ट आटे की तरह इसको चाल सकते हैं। तो इसके जो छोटे छोटे टुकड़े अगर बचे होंगे तो निकल जाएंगे। हमने बहुत बढ़िया पीसा है तो इसमें कुछ भी नहीं है। कढ़ाई मैंने गैस पे चढ़ा दिया है। अब हम सीरा बनाएंगे काजू कतली के लिए। तो यहाँ पे मैंने चीनी लिया है, ये लगभग 150 ग्राम चीनी होगी। तो यहाँ आप अपने हिसाब से मीठा जैसा पसंद करते हैं वैसा ले लीजिए। और यहाँ पे हम आधी कटोरी इसमें पानी डाल रहे हैं। एक कटोरी चीनी है तो आधी कटोरी पानी है। अब इसको चलाते हुए बढ़िया इसका एक तार का बढ़िया हम बना लेंगे इसकी चाशनी। चीनी हमारी घुल चुकी है और इसका बढ़िया सीरा पकने लगा है। तो यहाँ पर आप फ्लेवर के लिए और अपने पसंद की चीज़ें इसमें डाल सकते हैं। इलायची पाउडर, केसर दूध में भिगो दीजिए, उसको थोड़ा सा डाल दीजिए दूध केसर, तो उसका भी काफ़ी अच्छा फ्लेवर आता है। तो यहाँ पे हम और कुछ नहीं डाल रहे हैं, सिंपल सी काजू कतली बना रहे हैं। लगभग 2-3 मिनट लगा होगा, ये लगभग एक तार की चाशनी बन रही है। यहाँ पर आपको हम दिखा रहे हैं, ये देखिए ये एकदम परफेक्ट है। गैस को हमने बंद कर दिया है, तो अब हम इसमें मिश्रण मिलाएंगे काजू का। यहाँ पे अब हम ये जो फाइन पाउडर बना के काजू का रखा था, अब इसको हम धीरे धीरे करके डालेंगे। गैस को हमने अभी बंद किया है, गैस हमारी ऑन नहीं है। अब इसको आगे मिक्स कर लेंगे तभी हम गैस को ऑन करेंगे। काजू के पाउडर को हम बढ़िया से इसमें मिक्स कर दिए हैं। देखिए काफ़ी गाढ़ा होने लगा है। गैस को हम एकदम मीडियम फ्लेम पे रखे हैं, बिल्कुल तेज गैस नहीं है। ये लगभग ठीक होने लगा है। अब यहाँ पे हम गैस को बंद कर देंगे क्योंकि ये कढ़ाई भी छोड़ने लगा है, तो एकदम परफेक्ट है। अगर आपको ये भी समझ में नहीं आया तो थोड़ा सा कटोरी में बाहर थोड़ी सी बॉल्स निकाल लीजिए इसका, थोड़ा सा ऐसे करके। और निकालने के बाद में आप चेक कर लीजिए कि जमने लायक है कि नहीं, सबसे बढ़िया तरीका है। हम इसको कटोरी में ऐसे निकाल लिए हैं, इसी में चेक कर लेंगे। अब गैस को हम बंद कर देंगे। बहुत जल्दी परफेक्ट तुरंत काजू की बर्फी बनती है, इसमें बिल्कुल टाइम नहीं लगता है। काजू की बर्फी तो कई प्रकार से बनती हैं, तो यह हम एकदम सरल तरीके से बनाया है। अब हम यहाँ पे गैस को बंद कर देते हैं। इसको लगभग अब ठंडा करने के लिए 5-10 मिनट के लिए हम रख देते हैं। पेस्ट हमारा ठंडा हो चुका है। अब हम थोड़ा से हाथ में घी लगाएंगे। घी लगाने के बाद में ये पेस्ट को हम ये एक कॉपी कवर मैंने लिया है, ये देखिए कुछ ऐसे है, तो इसको मैंने बढ़िया से साफ कर लिया था। अब इसको इसमें ऐसे रख के ऐसे इसको करके बढ़िया थोड़ा से मस लेंगे। मसलने के बाद ये थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा। हम इसको लगभग 1 मिनट तक बढ़िया मसल लिए हैं, एकदम अब परफेक्ट हो चुका है।
हम इसकी बढ़िया शाइनिंग दिखा रहे हैं, बहुत परफेक्ट है। देखिए कितनी अच्छी बढ़िया ये शाइनिंग है, बहुत परफेक्ट शाइनिंग है। तो अब हम इसको ऐसे करके इसको बढ़िया से फैला लेंगे। अगर आपके पास बर्फी ट्रे है तो उसमें एक बटर पेपर लगा के उसमें इस बर्फी को बढ़िया से जमा सकते हैं। हम यहाँ ऐसे बना रहे हैं क्योंकि कभी कभी होता है सबके घर में बर्फी ट्रे नहीं रहता है, तो हम कुछ ऐसे बना रहे हैं। यहाँ पर आप देखिए बहुत सरल तरीका है, एकदम परफेक्ट सेट हो चुकी है ये। जितना पतला आपको पसंद हो उतना पतला कर लीजिए इसको। पेस्ट को हमने देखिए ऐसे फैला लिया है, एकदम परफेक्ट ये बन चुका है। अब इसको हम थोड़ा से ऐसे ऐसे शेप में काटेंगे। काजू कतली को देखिए कुछ हमने ऐसे बढ़िया काटा है। अब इसका हम किनारे का भाग थोड़ा ऐसे करके कट करेंगे, इसको थोड़ा अलग कर रहे हैं। अब यहाँ अपने हिसाब से पीसेस ऐसे बना लीजिए। तो लीजिए हमारी काजू कतली बढ़िया रेडी हो चुकी, बिल्कुल आसान तरीके से मैंने रेडी किया है, बहुत परफेक्ट बनी है। यहाँ पर हम आपको तोड़ के दिखा रहे हैं, बहुत अच्छी बनी है। छोटी सी मैंने बना दिया आखिरी में, बहुत अच्छी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एकदम मुंह में घुल जाने वाली बर्फी बनी है, बहुत परफेक्ट है। आसानी से घर में बना लीजिए। यहाँ पे मैंने पिस्ता से डेकोरेट किया है, अगर आपको पसंद हो तो पिस्ता से कर लीजिए डेकोरेट। अगर आपको पसंद हो तो चांदी का वर्क भी लगा सकते हैं। चांदी के वर्क में क्या होता है, असली नकली को पता नहीं चलता है तो नुकसान भी करता है, तो इसीलिए हमने पिस्ता से बढ़िया डेकोरेट किया। बहुत परफेक्ट बनी है बर्फी, दीपावली के अवसर पर काजू कतली बहुत अच्छी बन चुकी है। अगर ये वीडियो हमारी आपको अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए, कमेंट करना मत भूलिए। थैंक यू दोस्तों।